राधे राधे सभी को। ये देखिए, आज मैं आप सबके साथ 10 नंबर के कान्हा जी का ये जंपसूट लेके आई हूँ। इसकी वीडियो शेयर करूँगी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। और मैं आपको पिक्चर में दिखा ही चुकी हूँ, और इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ये जंपसूट पहने दिखाया है। बस उसमें मैंने ये किनारी नहीं की है और ये डोरी नहीं बनाई है, ये मैंने उसके बाद बनाई, क्योंकि मुझे ट्राई करके देखना था कि ये जंपसूट उनको ठीक आता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि 10 नंबर के कान्हा जी का जंपसूट का ये फर्स्ट वीडियो जा रहा है मेरी तरफ से यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है, ये है मैंगो और ये है डार्क ग्रीन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं ये जंपसूट आज बना रही हूँ 10 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो सबसे पहले हम 10 नंबर के कान्हा जी की चोली बना के तैयार कर लेते हैं। और चोली में मैं दोनों ही पूरी ड्रेस में दोनों ही कलर मिक्स कर रही हूँ। तो जो इसकी चोली की फर्स्ट रो है, जो नेक पे आने वाली है, वो मैं बना रही हूँ इस ग्रीन कलर से। यहाँ पे मैंने एक स्लिप नॉट लगा ली है, और सबसे पहले मैं इसमें 22 चेन बना लूँगी, 22। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी 22 चेन बन गई हैं। अब इसमें मैं 3 चेन स्किप करके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। जो हमने स्टार्टिंग में ये 3 चेन स्किप की हैं, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं अब। और अब नेक्स्ट चेन में हम एक वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच कैसे बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर जिस चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा वी स्टिच बन गया। अब नेक्स्ट एक चेन में एक डबल क्रोशिया, जो कि हमें बाजू के लिए रखना है, आर्म के लिए। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से एक वी स्टिच बना लेंगे, जो कि पार्टीशन करता है हमारी साइड्स का आर्म के साथ। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारे स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया हैं, ये फ्रंट के रहेंगे। एक वी स्टिच, फिर एक आर्म होल के लिए डबल क्रोशिया, फिर एक वी स्टिच। अब हम बैक के लिए यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पे 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा वी स्टिच था। इसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फिर से पहले एक वी स्टिच, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी में ही एक और डबल क्रोशिया, फिर एक, सिर्फ एक डबल क्रोशिया आर्म के लिए, यानी बाजू के लिए। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से एक वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इसको बोलते हैं वी स्टिच। अब लास्ट में हमारे पास 4 चेन बची हैं, तो इन चारों में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो कि हमारे चोली का फ्रंट पार्ट होगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी चोली की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें अपना येलो कलर ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक स्टेप बैक ले लूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पे 2 का 1 नहीं कर रही हूँ, 2 का 1 हम करेंगे येलो कलर के साथ। और अब हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम अपना ग्रीन थ्रेड जो है वो कट कर देंगे इस तरह से, क्योंकि आगे हमें इसकी अभी थोड़ी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे पहले 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 नेक्स्ट रो के लिए। इसके इस नीचे वाली जाली में हमें नहीं डालना है क्रोशिया। अब नेक्स्ट जाली के अंदर, नेक्स्ट चेन के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में हमने 20 स्टिच से पहले 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस रो में हमें 5 बना लेने हैं। 3
फोर एंड फाइव। तो ये देखिए हमारे फाइव डबल क्रोशिया हो गए। अब वी स्टिच के ऊपर हम वी स्टिच बना लेंगे, डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया। नेक्स्ट आप देखिए दो वी स्टिच के बीच में हमने फर्स्ट रो में एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब इस रो में हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से फिर से वी स्टिच के ऊपर हम वी स्टिच बना लेंगे। अब फर्स्ट रो में हमने यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया बनाए थे, इस रो में हम आठ बना लेंगे। तो चलिए पहले बना लेती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ये वी स्टिच है हमारा, और यहाँ पे हमने वी स्टिच के बाद आठ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से हमारा वी स्टिच आ गया, तो इसके ऊपर हम वी स्टिच ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट थ्री चेन में एक एक डबल क्रोशिया, फिर से वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, और अब लास्ट में पांच डबल क्रोशिया हर एक चेन में। देखिए लास्ट में जो हम यहाँ पे थ्री की चेन बनाते हैं उसकी भी थर्ड चेन में जो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही है उसमें हम क्रोशिया एंटर करके एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये फाइव हो गए। ये देखिए अब हम थर्ड रो इसी कलर से बना रहे हैं, तो तीन पहले मैंने चेन ले ली जिसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब फर्स्ट नेट को छोड़ के नेक्स्ट नेट में यानी नेक्स्ट चेन में हम डाल के क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच और छः। देख सकते हैं आप फर्स्ट रो में हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में चार लिए थे, फिर पाँच, अब छः, फिर हम यहाँ पे वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बना लेंगे। अब हमने बाजू के लिए यहाँ पे पाँच डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो तीन चार और पाँच। अब आगे वी स्टिच आ गया तो वी स्टिच के ऊपर फिर से वी स्टिच बनेगा। नेक्स्ट हमें अगली 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट रो में 6 थे, उसके बाद 8 थे, अब की बार 10 हो जाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हमारे यहाँ पे वी स्टिच आ गया तो वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, और आगे हम पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे हर एक चेन में एक एक। फिर वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, और एंड में छः डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। हमें इसमें 10 नंबर की ये चोली है तो टोटल 10 रो बनानी है, और करना क्या है साइड्स में हमारे पास 20 स्टिच से पहले एक एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा, और ये जो 20 स्टिच के बीच में है आर्म वाले दोनों तरफ और बैक वाले, तो इनमें हमें हर रो में दो दो बढ़ाने हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ इसी कलर के साथ। तीन हमने चेन बना ली, इसको हमने टर्न कर लिया, और अब की बार हमारे यहाँ पे ये बन जाएंगे 7 डबल क्रोशियाज 20 स्टिच से पहले। मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो और किसी और वीडियो पे आपको क्लिक ना करना पड़े, किसी और वीडियो पे ना जाना पड़े। तो मैं यहाँ फुल डिटेल में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया है। अब 20 स्टिच के ऊपर हम 20 स्टिच बना लेते हैं।
फिर हम आम के लिए अब की बार यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर वी स्टिच आ गया तो वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, और अब हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो पहले बना लेती हूँ मैं, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए बैक के लिए। अब वी स्टिच आ गया तो वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, और फिर आर्म के लिए 7 डबल क्रोशिया। फिर वी स्टिच पे वी स्टिच, और फिर 7 डबल क्रोशिया फ्रंट के लिए। तो ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब 5th रो बना लेते हैं इसी कलर से, उसके बाद फिर मैं दूसरा कलर ऐड करूँगी। तो 3 चेन बना ली मैंने। अब हम पहले 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखिए आप समझ लीजिए, इस रो में हमें यहाँ पे पहले 7 थे, अब की बार 8 बनाने हैं, फिर वी स्टिच आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमने पिछली रो में हमारे पास 7 डबल क्रोशिया थे बीच में, अब की बार 9 हो जाएंगे, फिर वी स्टिच आएगा, फिर उसके बाद पिछली रो में हमने यहाँ पे बैक में 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब की बार 14 हो जाएंगे, फिर वी स्टिच के बाद यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर वी स्टिच, और यहाँ पे एंड में 8 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं अपनी 5th रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मेरी 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ अपनी नेक्स्ट जो 6th रो है उसके अंदर ग्रीन कलर ऐड करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में 2 का 1 नहीं किया है, इसको हम ग्रीन कलर के साथ 1 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये स्लिप नोट लगा ली थी और 2 का हमने 1 कर दिया। यहाँ पे हम अपना ये जो येलो थ्रेड है उसको कट कर देंगे और एक हल्की सी नोट लगा लेंगे, बिल्कुल लाइट, टाइट नहीं करेंगे इसको, ऐसे बस। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, बाद में इन सब धागों को, ये जो है हमारे, इनको पक्का कर लेंगे। अब हम 3 चेन बना लेते हैं पहले और इसको टर्न कर लेंगे। अब पहले इसको छोड़ के नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, आप चाहें जैसे मर्जी आप इसको अपना अपनी पसंद से डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो ये जो हम चोली बना रहे हैं एक ही कलर में बना सकते हैं प्लेन, जैसे भी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग। और अब ये देखें यहाँ पे हमारा वी स्टिच आ गया, तो लेकिन उससे पहले काउंट करते हैं हमारे यहाँ पे कितने डबल क्रोशिया हुए। ये एक चेन का डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अब की बारी हमारे 9 हो गए हैं। अब वी स्टिच के ऊपर हम वी स्टिच बना लेते हैं फिर से, फिर हम इस रो को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। करना क्या है, शुरुआत में दोनों तरफ फ्रंट का हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है, बीच में वी स्टिच के बीच में जो आर्म है और जो बैक है उनमें 2-2 बढ़ाने हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे वी स्टिच बनाने के बाद, इससे पहले वाली रो में हमारे पास 9 डबल क्रोशिया थे, अब की बार 11 हो जाएंगे। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से बढ़ रहे हैं ये, तो 1, 3, 5, 7, 9 थे, अब की बार 11 हो जाएंगे। ऐसे ही बैक में हमने 6
8, 10, 12, 14 थे, तो अब की बार 16 हो जाएंगे। फिर से यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 अब की बार 11 हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर से लास्ट में हमारा एक ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे 4 थे स्टार्टिंग में, फिर 5, 6, 7, 8 और अब की बार 9 हो जाएंगे। तो ये रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी 6th रो भी कंप्लीट कर ली थी ग्रीन वाली, और अब 7th रो में मैंने अपना थ्रेड चेंज करके और 20 स्टिच से पहले के जितने डबल क्रोशिया हैं ये सब बुन लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम अपनी 7th रो में, ये देखिए ये हमारी 7th रो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो 7th रो में हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो करना क्या है, थ्रेड चढ़ाना है ऐसे, और इस ये जो वी स्टिच आपको दिखाई दे रहा है जाली वाला, इसके अंदर हम क्रोशिया एंटर करेंगे, और ये जो नेक्स्ट वी स्टिच है यहाँ पे इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ये देखिए, और इसको फिर हम इस तरह से पकड़ लेंगे फोल्ड करके, और फिर धागा चढ़ा के इसको बाहर ले आएंगे। अब यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना देना है। तो ये हमारा एक आर्म होल यहाँ पे निकल गया। अब बीच वाले जितने भी हमारे पास ये चेन नज़र आ रही है सब में हम अपने डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने ये आर्म होल निकालने के बाद 18 चेन बना ली। अब हम अपना नेक्स्ट आर्म होल निकालेंगे, तो उसके लिए भी हमने थ्रेड चढ़ा लिया, और इस वी स्टिच में हम क्रोशिया को एंटर करेंगे, और नेक्स्ट वी स्टिच जो हमारा यहाँ पर है इसमें से हम थ्रेड को क्रोशिए को बाहर निकाल के और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फिर थ्रेड बाहर ले आएंगे, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे, ये देखिए। अब बाकी जो हमारे पास आगे चेन बची हैं उनको बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारी 7th रो भी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसमें फिर से ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में हमने 2 का 1 कर लिया और 3 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पे ये येलो कलर को कट कर देंगे। और हल्की सी यहाँ पे नोट लगा लेंगे, ये देखिए लाइट सी। अब इसको टर्न करेंगे, और अब की बार हमने यहाँ पे कुछ भी बढ़ाना नहीं है, जितनी भी हमें चेन दिख रही हैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, कुछ भी हमें बढ़ाना नहीं है। आर्म होल हमारे निकल चुके हैं और ये हमारी 7 रो बन चुकी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 रो हमें इसमें और बनानी है, पहले हम 2 रो और ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद जो हमारी 10th रो आएगी उसके अंदर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 8th रो भी बना ली। अब सेम इसी तरह कोई भी इंक्रीज या कोई भी डिक्रीज किए बिना हम यहाँ पे एक 9th रो और बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 7th और 8th रो में जो है 40 डबल क्रोशिया हैं, ये 20 पीछे हैं, 10-10 हमारे साइडों में हैं, तो टोटल 40 हैं। ऐसे ही हम अपनी 9th रो में बिना इंक्रीज बिना डिक्रीज किए 40 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, और वो 9th जो रो है वो मैं बनाऊँगी येलो कलर के साथ। तो पहले मैं बना के फिर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी 9 रो कंप्लीट कर ली है, और अब मैं इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी, और ज्वाइन करने के बाद हम अपनी लास्ट और 10th रो बनाएंगे। तो उससे पहले ये देखिए यहाँ पे जो मैंने थ्रेड है वो पिछली बारी कट नहीं किया था, इसको हम इधर कर लेंगे ताकि हमारा जो वर्क है वो करने में हमें आसानी रहे, क्योंकि आगे हम जो अगली रो बनाएंगे वो इस कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको अटैच कर लेती हूँ, और अटैच कैसे करना है, ये जो शुरू में हमने 3 की चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। और अब ये देखिए इसी चेन में, इसी वाली चेन में हम यहाँ पे एक बार क्रोशिया को एंटर किया, और अब इस धागे को छोड़ के ये वाला धागा लेंगे और इस धागे से एक स्लिप स्टिच कर देंगे, इन दोनों धागों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने चोली को ज्वाइन कर लिया। अब जो 10th रो है वो हम इसकी बना लेते हैं ग्रीन कलर से, और इस रो में भी हमें कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, सेम 40 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे। तो पहले मैं ये चोली कंप्लीट कर लेती हूँ, इसकी 10th रो बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 10th रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ। ऐसे
और आप देख सकते हैं ये हमारे 10 नंबर कान्हा जी की चोली तैयार है। अगर हम कोई गोल ड्रेस बनाना चाहते हैं गोल घेरे की, तो उसके लिए भी यही सेम चोली बनेगी। तो चलिए अब हम इससे जंपसूट बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी चोली के बाद जो हमारी फर्स्ट रो आएगी वो मैं बनाऊंगी येलो कलर से। तो इस थ्रेड को छोड़ देंगे और यहाँ पे येलो थ्रेड के साथ पहले मैं इसी चेन में एक बारी और क्रोशिया को एंटर करके और ये ग्रीन धागा येलो धागा ले लूँगी और एक स्लिप स्टिच लगा दूँगी इस तरह से। और पहले हम यहाँ पे बनाएंगे 3 की चेन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 40 डबल क्रोशिया हैं, हम इसको 20-20 डबल क्रोशिया करके दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन इधर का बनेगा और एक पोर्शन इधर का बनेगा, जो कि हमारा थोड़ा सा पार्ट यहाँ जो कान्हा जी के स्टमक का यानी पेट का पार्ट होता है, पेट का और पीठ का, वो बनाने के बाद हम नीचे से लेग्स निकालेंगे। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से हम पहले ये बीच का पार्ट बनाएंगे इतना, और फिर उसके बाद हम लेग्स का पार्टीशन करेंगे। तो ये यहाँ तक हमारी चोली जो है वो बन चुकी है, इतना पार्ट हमारा बन चुका है। अब यहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है। तो अब हमने क्या करना है, हम दो जो हमारे डबल क्रोशिया है इस साइड बढ़ाएंगे और दो हम बैक में बढ़ाएंगे, इधर के भी और इधर के भी। यानी अभी हमारे पास 40 डबल क्रोशिया हैं, दो इधर बढ़ेंगे, दो इधर बढ़ेंगे और ऐसे ही दो इधर पीछे की तरफ। तो ये हमारे पास टोटल 48 डबल क्रोशिया जो है वो हमारा इस रो में बढ़ जाएगा। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं कैसे करना है। ये देखिए इसमें हमने पहले एक चेन 3 की चेन बना ली, जिसको हम अपना फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं, तो ये हमारे पास दो हो गए। अब दो डबल क्रोशिया हमें नेक्स्ट चेन में बनाने हैं। ये देखिए ऐसे 1 एंड 2, तो ये दो चेन से हमारे पास स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया हो गए। हमें इसको, मैंने अभी आपको बताया, 20-20 के दो पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। तो दो हमारे यहाँ बढ़ेंगे, दो हमारे यहाँ बढ़ेंगे, उसके अलावा हमारे पास 16 डबल क्रोशिया बचते हैं। तो हम अगली 16 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में दो डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद अगली 16 चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब बैक में हम आ गए हैं, बैक में फिर से हम 2 के 4 करेंगे। पहले ये देखिए एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी चेन में एक और बना लिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बनाएंगे। ये देखिए तो ये हमारा इतना पोर्शन तो रेडी हो गया इधर वाला। अब सेम प्रोसीजर हमें इस साइड भी करना है। तो बैक में हमें लगातार 4 चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 2 इस साइड के और 2 इस साइड के, 2 हम बना चुके हैं। 2 बार 2-2 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैक साइड में लगातार 4 चेन में 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से नेक्स्ट 16 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। और ये 16 चेन बनाने के बाद आप काउंट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास अब लास्ट में 2 चेन बची हैं। तो इन 2 चेन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2-2, जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाए थे। तो ये देखिए 1 और फिर इसी चेन में 2, ऐसे ही नेक्स्ट चेन में 1 और फिर 2। तो इस तरह से ये हो गई हमारी रो कंप्लीट। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ। अब इसी चेन में एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे ग्रीन कलर के साथ। ये देखिए इसी चेन में हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब 3 की चेन बना लेते हैं पहले। अब हम अपनी नेक्स्ट 3 रो ऐसे ही बना लेंगे, कोई भी हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया ना तो बढ़ाना है ना ही घटाना है। अगली 3 रो हमें सेम ऐसे ही बना लेनी है, इसके ऊपर कुछ भी बढ़ाना नहीं है घटाना नहीं है। 48 हमारे पास चेन है, तो 48 की 48 ही रहेंगी अगली 3 रो तक। तो पहले तो मैं आपको एक रो बना के बताती हूँ, फिर उसके बाद और बताऊँगी।
तो अब ये देखिए नेक्स्ट रो में हमें जितनी हमारे पास चेन है 48 हमारे पास यहाँ पे चेन है 48 हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं, कुछ भी बढ़ाना नहीं कुछ भी घटाना नहीं। तो ये देखिए इस तरह से इस रो में हमने अपने जो डबल क्रोशिया वो बढ़ाए थे उसके बाद हमने ये तीन रो सिंपल बना ली हैं। अब हम यहाँ से अपना जो है लेग्स का पार्टीशन करेंगे, तो उसके लिए हम अब फिर से हमारे पास 48 डबल क्रोशिया थे 24 और 24 दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तीन की चेन बना लेते हैं पहले। अब हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बढ़ाए थे, अब हमें इस रो में दो डबल क्रोशिया घटाने हैं। और घटाते कैसे हैं डबल क्रोशिया को वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले एक डबल क्रोशिया बना लिया, अब नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसको दो का स्टार्टिंग में तीन से दो कर लिए लेकिन इसको पूरा नहीं उतारेंगे, फिर से थ्रेड लेके नेक्स्ट चेन में। ये देखिए अब हमारे पास ये चार लूप आ गए, चार से हमने स्टार्टिंग के दो बुन लिए, अब ये तीन है हमारे पास, अब इन तीनों को हमें एक साथ उतार देना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन के दो हो गए, एक हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट जो दो हैं उनको भी एक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से तीन आए हमारे पास, तीन के दो कर लिए लेकिन पूरा नहीं बनाया हमने डबल क्रोशिया। इसी पे थ्रेड चढ़ा के फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया हमने ले लिया, अब हमारे पास चार लूप हो गए, पहले हम दो उतार लेंगे, अब तीन बचे हैं तो तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया से तीन डबल क्रोशिया बने, यानी हमारे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया डिक्रीज हो गए। आप देख सकते हैं एक तो ये तीन की चेन वाली, एक ये चेन आई है हमारे पास, एक ये तो 5 डबल क्रोशिया से हमारे पास तीन चेन बनी है। तो ये 5 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे, और ऐसे ही 5 जो है वो बैक साइड में लगेंगे। तो 5 और 5 10 हो गए, 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14 हमारे पास जो है डबल क्रोशिया बचते हैं 24 में से 10 माइनस करने के बाद। तो हम यहाँ पे पहले 14 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, इधर एक एक चेन में 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले। तो ये देखिए इस तरह से शुरू में हमने यहाँ पे 5 के 3 बनाए थे, उसके बाद यहाँ पे हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 14 डबल क्रोशिया कर लिए। अब हम दो यहाँ पे बैक साइड में डिक्रीज करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, पहले यहाँ पे धागा बाहर निकालेंगे और तीन के दो बनाएंगे, बस पूरा नहीं उतारेंगे इसको, डबल क्रोशिया पूरा नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से अब ये चार लूप है हमारे पास, तो स्टार्टिंग के दो बुनेंगे, अब तीन रह गए, इन तीनों को एक साथ उतार देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक डिक्रीज हो गया, ये देखिए दो का एक बन गया यहाँ पे। अब फिर हम नेक्स्ट में एक और डिक्रीज कर लेंगे, इस तरह से पूरा नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट से उठाएंगे और पहले वाले दो को उतार लेंगे। अब ये तीन बचे हैं, तीनों को एक साथ कर देंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशिया से तीन बन गए हैं, तीन चेन आ गई हैं ऊपर, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमें एंड में बिल्कुल स्ट्रेट बना लेना है, ताकि हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर सकें बिल्कुल सीधा। अब हम इस ग्रीन धागे को इधर ले लेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे थर्ड चेन में। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे यहाँ पे एक लेग बननी शुरू हो गई है। इस पोर्शन को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इधर वाली लेग कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं इस धागे को छोड़ रही हूँ और ग्रीन धागे को लगा रही हूँ। ये देखिए पहले इसी चेन में मैं स्लिप स्टिच लगा लूँगी एक, और तीन की चेन बना लेते हैं इस तरह से। अब फिर से फर्स्ट जांच के तीन बनाए थे तो दो डिक्रीज किए थे, अब की बार हम एक डिक्रीज करेंगे। तो क्या करना है, ऐसे ही पहले तीन के दो बना लिए, फिर से धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डालेंगे। अब यहाँ पे चार हैं तो पहले इसको तीन कर लेते हैं, अब इन तीनों को एक साथ उतार लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक डिक्रीज हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट 14 चेन में हमें 14 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब इस रो में भी हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बना लिए लास्ट बीच के। अब लास्ट में देखिए हमारे पास तीन चेन बची हैं, आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो अब इन तीन में से हमें दो बनाने हैं, तो फिर से वही करेंगे। लास्ट वाला तो हमें एक स्ट्रेट बनाना ही है, हम ये जो बीच की दो चेन हैं उनको एक करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले
ऐसे बना लिया, पूरा नहीं बनाएंगे इसे। फिर अगली चेन में से भी लिया, चार लूप आ गए तो पहले दो को बुन लेंगे, फिर तीन हो जाएंगे तो तीनों को एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे भी एक डिक्रीज कर दिया और अब लास्ट वाला एक जो चेन बची है इसमें एक डबल क्रोशिया सीधा का सीधा बना लेंगे और फिर इसको यहाँ पे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर दिया। अब हम यहाँ पे फिर से अपना येलो कलर लगा रहे हैं, इसी चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे हम येलो कलर के साथ। फिर येलो कलर की तीन चेन बनाएंगे, थ्री। अब इस रो में हमें फिर से एक बार डिक्रीज करना है एक डबल क्रोशिया, तो हम फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट दो चेन का एक कर देंगे। ये देखिए ऐसे किया, पूरा नहीं बुनेंगे, फिर से पहले दो को बुन लेंगे, तीन आ गए, अब तीनों को एक साथ बुन देंगे। तो ये देखिए ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हैं, लेकिन चेन हमारी कितनी आई है, एक तो ये थर्ड की एक चेन और ये एक चेन, तो दो चेन हो गई। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट 12 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर लास्ट में एक और डिक्रीज करेंगे। शुरू में एक डिक्रीज करने के बाद 12 चेन में 12 डबल क्रोशिया बना लिए और अब लास्ट में भी हम एक डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए लास्ट में आपको तीन चेन दिख रही हैं, 1, 2, 3, तो इन थ्री को हम टू में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट हमें फिर से सीधा बनाना है तो इन दो को पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं और एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब तीनों को एक साथ बुन देंगे, तो यहाँ पे एक हमारा डिक्रीज हो गया और लास्ट वाला हमें सीधा बना लेना है, पूरा डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे थर्ड चेन में और फिर इसी चेन में एक और स्लिप स्टिच लगाएंगे ग्रीन कलर के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे लेग की तीन लाइंस बन चुकी हैं। अब हम फोर्थ रो बना लेते हैं, तो पहले हम तीन की चेन बनाएंगे और फिर स्टार्टिंग में यहाँ पे भी हमें एक डिक्रीज करना है। तो पहले हम ये देखिए तीन से एक बना लिया हमने। अब बीच के जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं उनको भी हम एक एक करके बुन लेंगे, लास्ट की तीन चेन को छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं ग्रीन कलर के, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। अब लास्ट में हमारे पास तीन चेन बची हैं तो यहाँ पे भी हम तीन की दो बना लेंगे, यानी एक डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे भी डिक्रीज कर देना है। ये देखिए तीनों को एक साथ बुनेंगे तो एक डिक्रीज हो गया। अब लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमें स्ट्रेट ही बनाना है। इस तरह से और अब थ्रेड को उधर करके येलो वाले को हम यहाँ पे फिर से थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए और अब मैं अपनी यहाँ पे नेक्स्ट रो बना लेती हूँ येलो कलर से। तो इसी चेन में मैं पहले येलो कलर से एक स्लिप स्टिच लगा लूँगी और फिर तीन चेन बना लूँगी। फिर इस रो में भी ये हमारी फिफ्थ रो है, देखिए लेग की फिफ्थ रो में भी हमें स्टार्टिंग में और एंड में एक एक डबल क्रोशिया डिक्रीज करना है और बीच में 8 डबल क्रोशिया एक एक करके बना लेने हैं। तो चलिए पहले मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारी लेग बन गई है, इसमें मैंने 5 रो बना ली हैं और अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ एक बाउंड्री के लिए 6 रो बनाऊंगी, जिसको कि हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे और वो मैं बनाऊंगी ग्रीन कलर के साथ। तो ग्रीन कलर की बाउंड्री मैं यहाँ पे कर रही हूँ और सिंगल क्रोशिया ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको भी। और यहाँ पे फिफ्थ रो में मेरे पास 12 डबल क्रोशिया हैं, 12 चेन हैं, तो 12 ही हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, कुछ भी इंक्रीज़ कुछ भी डिक्रीज़ नहीं करना, 12 चेन के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया हमें बना लेने हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर अटैच कर रही हूँ अपना इसी चेन में स्लिप स्टिच के साथ। और अब यहाँ पे मैं ये येलो कलर जो है मेरा उसको कट कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट लेग में अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ग्रीन कलर की एक चेन बना लेते हैं पहले सेम चेन में, और नेक्स्ट जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं जितनी भी चेन हैं उन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करके मैं ये इस लेग की बाउंड्री बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए ये हमारी बाउंड्री भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ मैं इसको बंद कर दूंगी और एक चेन बना के थ्रेड को काट लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये एक लेग पूरी हो चुकी है और इसी तरह से सेम हम यहाँ पे दूसरी लेग भी बना लेंगे। और आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि मैंने फ़र्स्ट लेग कैसे बनाई है, सेम उसी तरह से आप ये लेग भी बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेग बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर पूरी वीडियो में दोबारा से दिखाऊंगी लेग की तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। तो आप यहाँ पे जो मैंने पहले लेग बनाई है उसको रिवर्स करके देख लीजिएगा कि कैसे बनाई है। यहाँ पे मैंने ये थ्रेड अटैच कर दिया है और शुरू में मैं ये दो डबल क्रोशिया बना लूँगी, यहाँ पे भी दो बारी और एंड में भी। तो चलिए मैं ये लेग पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जंपसूट की दोनों लेग बन गई हैं और ये बीच में जो नीचे सिलाई आपको दिख रही है यहाँ से थोड़ा ओपन रह जाता है, तो इसको हम अंदर से धागा लेके येलो कलर के धागे के साथ सील देंगे, तो जिससे कि ये कवर हो जाए। और ये देखिए मैंने सारे धागे भी अंदर की तरफ अटैच कर दिया और बीच में से इसको सिलाई भी लगा दी है। अब मैं यहाँ पे इसमें बाजू में भी तीन रो बना लूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं इसको, बिना बाजू के या बाजू वाला। अगर आप इसको फुल स्लीव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दो या तीन जितनी भी आपको सेटिस्फाई लगे आप अपने कान्हा जी को पहना के देख लीजिए, उतनी यहाँ पे रो बना लीजिए। और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तीन रो बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे ये येलो थ्रेड ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से आप ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास बाजू के 13 डबल क्रोशिया हैं ऐसे, यानी कि 13 चेन हैं। अब मुझे यहाँ पे ये जो मेरा लास्ट ये आपको येलो कलर का डबल क्रोशिया दिख रहा है यहाँ से उठाना है और इस वाले पे लाके ख़त्म करना है। तो पहले मैं इसको उठा लेती हूँ यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे हम ये धागा अपना अटैच कर लेते हैं और तीन की चेन बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जितनी भी हमें चेन दिख रही हैं हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ये देखिए इस तरह से। जितनी भी हमें यहाँ पे चेन दिखाई दे रही हैं सब में एक एक बना लेंगे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारे पास अब एक तो ये तीन की चेन का ये भी एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक ये लास्ट में फिर से येलो वाले के ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे पास नीचे वाला जो हमारे पास येलो कलर का डबल क्रोशिया था उसमें से हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, तो हमारे पास ये 15 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसको जो हमने थर्ड तीन की चेन बनाई थी थर्ड चेन में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है, वन टू थ्री। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे हमारी एक रो बन गई। अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट धागा लगाएंगे और अगली दो रो में हमें स्टार्टिंग में और एंड में एक एक डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर देना है, जिससे वो हमारी थोड़ी सी बाजू की शेप आ जाएगी। तो इसी चेन में ये देखिए एक और स्लिप स्टिच लगा लेंगे हम पहले ग्रीन कलर के साथ, ताकि हमारे धागा अटैच हो जाए, और फिर तीन की हम चेन बना लेते हैं। ये देखिए अब हमें इस रो में स्टार्टिंग में और एंड में एक एक डबल क्रोशिया डिक्रीज करना है, जैसे हमने नीचे लेग में किया था। तो ये देखिए पूरा नहीं बनाया हमने डबल क्रोशिया, फिर अगला ले लिया, पहले ये चार हैं इनके दो कम किए तो तीन रह गए, अब तीनों को एक साथ बुन दिया, तो यहाँ पे हमारा एक डिक्रीज हो गया। अब हम बीच के अपने पहले सारे जो हैं उनको सिंगल क्रोशिया सॉरी एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं और एंड में फिर हम ऐसे ही एक डिक्रीज कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में एक डबल क्रोशिया डिक्रीज करने के बाद बीच में मैंने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब लास्ट में हमारे पास तीन चेन बची हैं तो इसमें भी हम तीन के दो कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे धागा उठाया और इसको हाफ बनाएंगे, बस पूरा नहीं करेंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चेन को उठाएंगे और यहाँ से भी पहले वाले दो को बुनेंगे पहले,
फिर बाद में इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। तो एक यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब लास्ट में हमें एक चेन बची है, उसमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है ऐसे, और फिर इसको हम जो हमारी स्टार्टिंग में तीन की चेन थी उसमें थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3 ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा दो जो डबल क्रोशिया है वो कम हो गए। अब हम एक रो और येलो की बना लेते हैं, उसके बाद ग्रीन कलर से इसकी बाउंड्री करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। तो जो मैं येलो की एक रो और बना रही हूँ उसमें भी मैं एक एक जो डबल क्रोशिया है वो कम करूँगी। तो पहले तो इसी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ अपना येलो थ्रेड ऐड कर लेते हैं इस तरह से, फिर तीन की चेन बना लेंगे 3, और फिर नेक्स्ट दो डबल क्रोशिया से एक कर लेंगे। ये देखिए तीनों को एक साथ बुन देंगे, और अब बीच में हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पहले एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, ये देखिए 7 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने। लास्ट में फिर से हमारे पास तीन चेन बची हैं, तो यहाँ पे 3 से हम 2 कर लेंगे। सॉरी उतारना नहीं है, अब फिर से धागा लेंगे, अब इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। और लास्ट में एक चेन बचती है, वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं और स्लिप स्टिच से इसको थर्ड चेन में ज्वाइन कर देते हैं। 1 2 3 ये देखिए यहाँ पे हमारे येलो थ्रेड का वर्क हो जाता है पूरा। अब मैं यहाँ पे ग्रीन धागे को अटैच करूँगी और इससे बाउंड्री बनाऊँगी। स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया और एक सिंगल चेन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है, बाउंड्री करनी है। और यहाँ पे मैं ये जो ग्रीन थ्रेड है उसको येलो थ्रेड को कट कर दूँगी, क्योंकि येलो का वर्क हमारा पूरा हो चुका है। और इसको हम बीच में ही बुन देंगे सिंगल क्रोशिया करते करते। और इस रो में हमें कुछ भी ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, बस हम इसकी ग्रीन कलर से बाउंड्री कर रहे हैं। तो नो इंक्रीज एंड नो डिक्रीज। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसके अंदर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और धागे को कर लेंगे कट एक चेन बना के, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जंपसूट की एक बाजू बन गई है। अब सेम इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड बाजू भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सेम यही प्रोसीजर रखना है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, इस बाजू की एंड में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, बाउंड्री बनाई है, तो ये हमारे पास 11 सिंगल क्रोशिया आए हैं, ठीक है। तो मैं ये भी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने जंपसूट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कैप बना लेते हैं। और कैप बनाने के लिए स्टार्टिंग में नेक पे हमने यहाँ पे 22 चेन ली थी और 20 उससे डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब ऐसे ही हमें 20 डबल क्रोशिया के ऊपर 20 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, हर चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो कैप मैं बना रही हूँ येलो कलर के साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट जो हमने यहाँ पे तीन की चेन ली थी उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में हम क्रोशिया को एंटर करेंगे। और यहाँ पे इसमें मैंने स्लिप नॉट लगा ली है पहले। और ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हम तीन की चेन बनाएंगे, जिसको कि हम अपना फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब
नेक्स्ट चेन में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये धागे जो हैं इनको मैं साथ ही ले लूँगी, जो नेक वाले धागे हैं, ताकि ये हमारे बीच में ही एडजस्ट हो जाएं। एक दो तीन चार। अब यहाँ पे जो हमने वी स्टिच बनाया था, ये हमें यहाँ डबल क्रोशिया दो नजर आएंगे, लेकिन चेन हमारी एक ही है, ठीक है ना। तो हम इस चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो नहीं बनाएंगे। वी स्टिच के ऊपर हमें एक ही बनाना है, क्योंकि जो नीचे हमने वी स्टिच बनाया था वो चेन हमारी एक थी, उसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे, है ना, एक चेन डाल के। तो हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास वी स्टिच आ गया, पर चेन हमारी एक ही है, तो हम एक चेन में एक ही बनाएंगे। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि जो हमारा वी स्टिच है उसमें हमने एक ही बनाना है। आप देख सकते हैं ये वी स्टिच है हमारा, दिख रहा है आपको, ये होल है बीच में, एक ये है डबल क्रोशिया, एक ये है डबल क्रोशिया। इन दोनों में अलग अलग नहीं बनाना है। ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे बना दिया, फिर बीच में बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, ऐसे हमारे डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। हमने इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच की चेन है जो ऊपर वाली, सिर्फ इसमें बनाना है एक, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जो आपके डबल क्रोशिया हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये एंड में जो हमारी तीन की चेन है, इसके भी थर्ड चेन में हम क्रोशिया को एंटर करके और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, और ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है कैप की। अब सेम इसी तरह बिना कुछ भी बढ़ाए और बिना कुछ भी घटाए, इन 20 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं 5 times, यानी हमें इसकी अभी 5 row और बनानी है। तो टोटल ये 6 row हो जाएंगी। तो मैं पहले ये 5 row कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये कैप यहाँ तक बना ली है, 1 2 3 4 5 6 row इसकी कंप्लीट कर ली है। अब 7th row में हम इसकी थोड़ी सी पीछे की तरफ से घटाई करेंगे, और यहाँ पे मैंने इसके लिए पहले तो 8 double crochet बना लिए हैं, 8 इधर बना लेने हैं, 8 इधर छोड़ देने हैं, और बीच के जो हमारे पास 4 double crochet बचेंगे उनको हमें एक साथ बुनना है, यानी कि हमें इस रो में बीच वाले जो 4 double crochet उनको एक साथ घटा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 8 मैं गिन चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो चुके हैं। अब हम यहाँ बीच वाले जो 4 हमारे डबल क्रोशिया हैं उनको एक साथ बुन लेंगे। पहले मैं यहाँ से भी 8 छोड़ देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 अब ये देखिए बीच में हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये वाले जो बीच के 4 हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे। देखिए 2 का 1 किया, फिर धागा चढ़ाया, फिर से 2 का 1 किया, फिर धागा चढ़ाया, फिर से 2 का 1 किया, ऐसे हर डबल क्रोशिया के साथ हमारे पास एक एक फंदा इसमें बढ़ता जाएगा। और फिर अगले में किया, यहाँ मैंने अंगूठा रखा हुआ था ताकि मुझे पहचान रहे कि यहाँ तक मुझे करना है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये सेंटर में 5 loops आ गए हैं एक ही बारी में। अब इन 5 को एक साथ बुन देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सेंटर में हमारे बीच के जो 4 double crochet हैं वो घट गए। अब लास्ट में हम फिर से 8 double crochet बना लेते हैं, और ये हमारी 7th row है। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में हमारे 4 double crochet घट गए, 8 इधर है 8 इधर है। बस अब हम इसको कैप को बंद करेंगे, ऐसे करके सील लेंगे। और सीलते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो हमारा
फ्रंट साइड है, ये देख सकते हैं सीधा साइड है, इसको हमें अंदर की तरफ रखना है और उल्टी साइड से इसको सीलना है ताकि जो भी हमारी कोई सिलाई वगैरह नजर आए तो वो उल्टी साइड में आए, सीधी साइड में ना आए। तो अब हम इसको ऐसे करके सील लेते हैं और अपनी लास्ट रो भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे करना है, इसको उल्टा कर लेना है और पहले हम तीन की चेन बनाएंगे और फिर इसके साथ यहाँ पे देखिए जो हमने स्टार्टिंग में तीन की चेन बनाई थी इसके अंदर क्रोशे को एंटर करके यहाँ से हम निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब धागा लेके इस साइड से फिर से हम एक अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस साइड की जो अगली चेन है नेक्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखिए इस तरह। फिर से इस साइड डबल क्रोशिया बनेगा और फिर इधर वाली नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तरह से फिर किया, डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमारी ये लास्ट रो भी बन जाएगी, एट्थ, और हर चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी होता रहेगा। दोनों तरफ की एक एक चेन उठानी है और इसको ऐसे बंद करते जाना है, एक साइड से डबल क्रोशिया और दूसरी साइड से स्लिप स्टिच चेन में, ये देखिए। फिर से डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, और फिर इस साइड से चेन उठा के स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया, यहाँ पे हमने एक चेन बना ली है और अब हम यहाँ पे थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कैप की शेप आई है, ये देखिए। कितनी सुंदर कैप बनी है ना ये। और अब सबसे लास्ट में हम यहाँ पे इसकी बीडिंग कर लेते हैं पूरी, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ओपन पार्ट है, और ये मैं कर रही हूँ ग्रीन कलर के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में नोट लगा ली है और यहाँ पे ये जो हमारा, ये देखिए आप स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया है, इसके अंदर से हम क्रोशिया को लेंगे और अपना ग्रीन कलर का धागा जो है वो अटैच कर लेंगे और दो चेन बना लेंगे। फिर इसी डबल क्रोशिया में हमें एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हर रो के फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें हम दो दो डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे और यहाँ पे हमारी किनारी बन जाएगी। बीच में ये जितने भी धागे हैं इनको हम साथ ही बुनते जाएंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए साथ साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे बार बार कलर चेंज किए थे तो उसकी वजह से थ्रेड बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखिए हर रो का फर्स्ट डबल क्रोशिया हमें उठाना है और ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे दो दो हर रो में। इस तरह से करते हुए ये देखिए ये बन गई है किनारी। इस तरह से करते हुए हम पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा के इसको नीचे तक ले आते हैं, पूरी कैप भी हमें कवर करनी है। हर रो का पहला डबल क्रोशिया उठाना है और उसमें दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी किनारी कंप्लीट कर ली और कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है ये, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है इसमें। और अब लास्ट में हम यहाँ पर एक चेन बना के और थ्रेड को कट कर लेंगे।
और फिर इसे अंदर की तरफ करके और जॉइन कर देंगे, धागे को अंदर स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जंपसूट रेडी है। बस अब इसमें हम यहाँ पे डोरी लगा लेते हैं। ये देखिए इस टाइप से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने डोरी बनाई है यहाँ पे, और ये डोरी की एंड में मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। आप चाहें तो इसमें डोरी लगाइए या ना लगाइए, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने एक लूप बना लिया है, स्लिप नोट लगा ली है, और ये जो हमने गले की पट्टी बनाई है इसके जो यहाँ पे दो हाफ डबल क्रोशिया, दोनों हाफ डबल क्रोशिया के बीच में से हमने क्रोशिया को एंटर करना है, और यहाँ से ये हमने थ्रेड लेके निकाल लेना है बाहर, और फिर हम यहाँ पे चेन बना लेंगे जितनी भी लंबी हमें चेन चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 20 चेन बना ली हैं, और ये मैंने जो बनाई है चेन ये मैंने सिंगल थ्रेड से बनाई है। अगर आपको ये चेन थोड़ी मोटी चाहिए तो आप अपना ये जो थ्रेड है वो डबल कर सकते हैं पहले। और अब यहाँ पे हम एक फ्लावर बना लेते हैं छोटा सा। तो देखिए कैसे मैंने बनाया है, पहले हम यहाँ पे थर्ड चेन में क्रोशिया को एंटर करेंगे, 1 2 3 थर्ड चेन में क्रोशिया को एंटर करके यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर हम दो की चेन बना लेंगे, और फिर इसी चेन में जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी एक पेटल तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे फिर से दो की चेन लेंगे, और फिर सेम चेन में जहाँ से हमने दो की चेन ली है एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर दोबारा से दो की चेन लेंगे और इसी चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब फिर से दो की चेन लेंगे, जितनी भी पेटल आपको चाहिए उतनी बार आप इसको बना सकते हैं, 3 पेटल का चाहिए, 4 का चाहिए, जैसे भी आपको बनाना हो। ये देखिए दो की चेन ले ली अब डबल क्रोशिया के बाद, और फिर इसी में स्लिप स्टिच कर दी। तो मैं यहाँ पे ये सिर्फ 3 पेटल का ही फ्लावर बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, ये 3 पेटल का ही मैंने फ्लावर यहाँ पे बनाया है, और इस वाले ड्रेस में मैंने 5 पेटल बनाई हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप उसी तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्लिप एक और चेन बना के और धागे को कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारी लीफ फ्लावर बन गई है, और इस धागे को हम यहाँ बैक साइड में एडजस्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से हम अपनी चेन एक इस साइड भी बना लेते हैं। तो पहले बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए इस तरह से हमारी डोरी भी तैयार है, और कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये जंपसूट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही साथ समझ भी अच्छे से आ गया होगा। तो आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, जंपसूट कैसा लग रहा है, और आपको समझ आया कि नहीं आया। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।